दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल लगने के बाद आप लोगों का जॉब प्रोफाइल कैसा रहेगा, कितने घंटे का ड्यूटी रहेगा, आप लोग कौन कौन सी यूनिट में कौन कौन से सेल में आप लोगों का पोस्टिंग आएगा, या फिर अगर आप लोग आई की तैयारी करना चाहते हो तो क्या आपको आई की तैयारी करने के लिए टाइम मिलेगा, जैसे कि यूपीएससी, सीजीएल, सीपीओ या फिर कोई सा भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो, उन सभी के लिए क्या आपको ड्यूटी के बीच में टाइम मिल जाएगा, तो इन सभी विषय में मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं कांस्टेबल सुमित आप लोगों का स्वागत करता हूँ आज के एक और नई वीडियो पे। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग जल्द से जल्द मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। यहाँ पे मैं अपना पर्सनल स्ट्रेटेजी, आप लोग कहाँ से तैयारी करो, क्या क्या पढ़ोगे, ऑनलाइन से कहाँ से पढ़ोगे, ऑफलाइन से कहाँ से पढ़ोगे, टेस्ट सीरीज कहाँ से दोगे, सारा का सारा मैं अपना पर्सनल स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताता रहता हूँ। तो आप लोग जल्द से जल्द मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, और अगर आपका कोई सा भी सवाल, कोई सा भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हो और कन्फ्यूज हो कि बुक्स कहाँ से खरीदे, कौन से बुक्स खरीदे, तो मेरे रिकमेंडेड बुक्स ये चारों बुक्स आपको रिकमेंड करता हूँ जो कि किरण पब्लिकेशंस के हैं। इन चारों बुक्स में से अगर आप लोग ऑफलाइन की तैयारी करते हो तो आपके लिए एनफ है, ये बुक्स आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी लोकल बुक स्टोर में आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। और मैंने इन चारों बुक्स का फ्री गिव अवे भी रखा है, किसी एक बंदे को ये चारों बुक्स मिल जाएगा। तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर विजिट करके इस चीज को देख सकते हो और पूरा का पूरा डिटेल्स जान सकते हो। तो दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहता है, तो सिलेक्शन प्रोसेस तीन स्टेजेस से होकर गुजरता है। पहला होता है फिजिकल, फिर होता है रिटर्न, और उसके बाद होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। तीनों को तीनों स्टेजेस में अगर आप लोग पास हो जाते हो फिर आप लोगों को भेज दिया जाता है ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग होता है 9 महीने का, और 9 महीने के ट्रेनिंग के बाद 1 महीने का कमांडो कोर्स होता है जो कि बेसिक कमांडो कोर्स होता है। तो टोटल 10 महीने के ट्रेनिंग के बाद आप लोगों का पोस्टिंग आता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग यूनिट में। तो अलग अलग जगह पे आप लोगों का पोस्टिंग आ सकता है, डिस्ट्रिक्ट में आ सकता है, यूनिट में आ सकता है, सेल में आ सकता है, ट्रैफिक में आ सकता है, दिल्ली आर्म्ड पुलिस में आ सकता है, पीसीआर में आ सकता है, सिक्योरिटी में आ सकता है, या फिर कमांडो में आ सकता है। तो अभी बात करेंगे ड्यूटी टाइमिंग कितने घंटे की होती है। तो हम लोगों का जब ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग के बाद हम लोगों का पासिंग आउट परेड होता है, उस परेड में शपथ दिलाया जाता है कि हम लोग 24 घंटे सातों दिन देश की सेवा में तैनात रहेंगे और देश की राजधानी की सेवा करेंगे। तो हम लोगों का माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि कभी भी हमें रात हो, चाहे दिन हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, अगर आप लोग ऑफ ड्यूटी भी हो तो एक पुलिस वाला हमेशा ऑन ड्यूटी रहता है, चाहे वो रेस्ट कर रहा हो, चाहे वो सो रहा हो। तो हमें जब भी कॉल आए, जब भी हमारी ज़रूरत पड़े तो हमें बुलाया जा सकता है। तो आप लोगों का माइंडसेट ऐसा तैयार रखना पड़ेगा कि हम लोग पुलिस में एक बार आ गए तो हमें हमारी ज़रूरत देश को कभी भी पड़ सकती है। अगर हमारा पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट में आए तो डिस्ट्रिक्ट में कई तरह की नौकरी अलग अलग होती है, पुलिस स्टेशन में होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में कई सारे पुलिस स्टेशन आते हैं, कई सारे ऑफिस आते हैं, एसीपी ऑफिस आ जाते हैं, डीसीपी ऑफिस आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लाइन आ जाती है। तो अगर आप लोग ऑफिस में नौकरी करना चाहते हो तो आप लोगों का अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छा है, अगर आप लोगों का कंप्यूटर का नॉलेज अच्छा है, अगर आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आता है तो आप लोग ऑफिस में भी काम कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग पुलिस स्टेशन में काम करना चाहते हो तो आप लोग पुलिस स्टेशन में भी काम कर सकते हो। तो अगर आप लोग डिस्ट्रिक्ट में काम करते हो तो डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी का टाइमिंग 8 घंटे से लेकर 12 घंटे तक रहेगा, वो डिपेंड करता है आप लोग क्या ड्यूटी कर रहे हो। बात करते हैं ट्रैफिक की, अगर आपका पोस्टिंग ट्रैफिक में आए तो आपका ड्यूटी रहेगा कि पूरे दिल्ली का जो ट्रैफिक है उसका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ट्रैफिक को सुचारू रूप से संचालित करना, ये आपका ड्यूटी रहता है। यहाँ पर भी आप लोगों का 8 से 12 घंटे का ड्यूटी रहता है। बात करते सेल की, तो कई तरीके की सेल होता है दिल्ली पुलिस में, स्पेशल सेल, स्पेशल स्टाफ, क्राइम ब्रांच, साइबर सेल। सेल में आप लोगों का ड्यूटी सिविल में रहता है, आप लोग सिविल में रह के अपना ड्यूटी करोगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करोगे, जो भी आप लोगों को ड्यूटी दिया जाएगा वो पूरा करोगे। इसमें ड्यूटी टाइमिंग कोई फिक्स नहीं रहता, आप लोगों को 24 घंटे में कभी भी जरूरत पड़ सकती है, कोई क्राइम हो जाए दिल्ली के किसी के कोने पे, देश के किसी भी कोने पे, कोई सा भी क्राइम हो जाए उस टाइम पे आप लोगों को जरूरत पड़ सकता है। देश में कहीं भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, जैसे कि साइबर सेल वाला, जैसे कि ऑनलाइन कई सारे फ्रॉड हो जाते हैं, आप लोगों का पैसे लूट लिया जाता है ऑनलाइन के माध्यम से, या फिर बहुत सारे फ्रॉड होते हैं आजकल ऑनलाइन में, तो इसी के ऊपर नज़र रखता है साइबर सेल। बात करते हैं सिक्योरिटी की, अगर आप लोगों का पोस्टिंग सिक्योरिटी में आता है तो आप लोगों का ड्यूटी वीवीआईपी पर्संस के साथ होगी, एमपीस के साथ होगी, उन लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना आप लोगों का काम होगा। ड्यूटी टाइमिंग आपका 12 घंटा ड्यूटी 12 घंटा रेस्ट, या फिर 12 घंटा ड्यूटी 24 घंटा रेस्ट, उस हिसाब से रहेगा। बात करते हैं पीसीआर की, अगर आप लोगों का पोस्टिंग पीसीआर में आता है तो पीसीआर का ड्यूटी रहता है, अलग अलग एरिया में अलग अलग पीसीआर को तैनात किया जाता है। उस टाइम पे अगर कोई क्राइम हो जाए, किसी ने अगर पुलिस कॉल कर दिया 112 पे या फिर 100 नंबर पे पुलिस कॉल कर दिया, तो तुरंत पीसीआर वहाँ पे पहुँचेगी, आप लोग वहाँ पे पहुँचोगे, वहाँ का हालात देखोगे, हालात के बारे में अपने सीनियर्स को बताओगे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करोगे आप, और उसके बाद जल्द से जल्द अगर कोई इंजर्ड पर्सन है तो उसे हॉस्पिटल ले जाओगे, कोई क्रिमिनल है तो जल्द से जल्द उसको पकड़ोगे। तो ये आपका ड्यूटी रहता है, 12 घंटे का ड्यूटी 24 घंटे का रेस्ट, उस हिसाब से पीसीआर पे आप लोगों का ड्यूटी रहता है। अभी बात करते हैं आर्म्ड पुलिस की, अगर आप लोगों का पोस्टिंग डीएपी यानी कि दिल्ली आर्म्ड पुलिस में आ जाए तो यहाँ पे कई सारे अलग अलग बटालियन रहते हैं, 1st बटालियन, 2nd बटालियन, 3rd बटालियन, 4th बटालियन, ऐसे करके 8 बटालियन रहते हैं, और अलग अलग बटालियन का अलग अलग काम होता है। जैसे कि दिल्ली में कहीं कोई दंगा हो जाए, कहीं कोई प्रोटेस्ट हो जाए तो आप लोगों को तुरंत वहाँ पे पहुँचना है, प्रोटेस्ट को रोकना है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। जैसे कि आप लोगों का पोस्टिंग अगर 3rd बटालियन में आए तो आप लोगों को कैदियों को या फिर क्रिमिनल को ले जाना पड़ेगा कोर्ट में, कोर्ट से जेल, जेल से कोर्ट, आप लोगों का ड्यूटी रहेगा।
डीएपी में ड्यूटी रहता है 24 घंटे का, 24 घंटे आप ड्यूटी करोगे फिर 24 घंटे का रेस्ट मिलेगा, इसी हिसाब से आप लोगों का ड्यूटी रहता है। फिर आता है दिल्ली पुलिस कमांडो, अगर आप लोगों का पोस्टिंग कमांडो में आता है तो आप लोगों का 3 महीने का एक ट्रेनिंग रहता है, दिल्ली पुलिस कमांडो ट्रेनिंग, वो 3 महीने का ट्रेनिंग आप लोगों को कंप्लीट करना होता है, कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को पोस्टिंग दिया जाएगा। और दिल्ली पुलिस कमांडो का यूनिफॉर्म भी नॉर्मल यूनिफॉर्म से अलग होगा। ड्यूटी टाइमिंग की बात करें तो 8 घंटे से 12 घंटे तक का आप लोगों का ड्यूटी टाइमिंग रहता है। तो ड्यूटी के साथ साथ भी आप लोग अपने आगे की तैयारी कर सकते हो। बहुत सारे लोग कांस्टेबल में भर्ती होने के बाद अपने आगे की तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस की या फिर सीजीएल की, सीपीओ की, कोई सा भी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो। बहुत सारे लोग कांस्टेबल से यूपीएससी के एग्जाम भी क्रैक किए हैं, सीपीओ का एग्जाम भी क्रैक किए हैं, सीजीएल का, रेलवे का, या फिर कोई सा भी एग्जाम आप लोग अगर अपने स्टेट में जाना चाहते हो या फिर अगर आप लोग अपने स्टेट की तैयारी कर रहे हो कोई सा भी एग्जाम की, तो आप लोग को आसानी से टाइम मिल जाए। अगर आप लोग आगे की तैयारी करना चाहते हो तो पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप समय को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। अगर आप लोग का ड्यूटी 12 घंटे का या फिर 8 घंटे का है, 8 घंटे का ड्यूटी है तो अच्छा है, उसके बाद काफ़ी समय मिल जाएगा आपको आगे की तैयारी करने में। अगर आप लोग का ड्यूटी 12 घंटे का है तो उसी 12 घंटे के बीच में आप लोग 1-2 घंटे, जैसे कि लंच टाइम होगा उस टाइम में भी आप लोग 1-2 घंटे पढ़ लिए या फिर थोड़ा टाइम रेस्ट, जब भी आपको मौका मिल जाए थोड़ा रेस्ट का, या फिर जब ड्यूटी खत्म हो जाए उसके बाद भी 3-4 घंटे आप लोग आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप लोग का ड्यूटी रहता है 24-24 का, तो 24 घंटे का ड्यूटी 24 घंटे का रेस्ट रहता है। तो 24 घंटे ड्यूटी ऑन ड्यूटी रहने के बाद जब आप लोग का 24 घंटे का ऑफ हो जाता है उस टाइम को आप लोग अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हो। तो हफ्ते में अगर आप लोग 6 दिन में 3 दिन तो आराम से पूरा का पूरा टाइम आप अपने पढ़ाई पे दे सकते हो। और जो 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहते हो उस टाइम में भी जब आप लोगों का ड्यूटी नहीं रहता, जब आप लोगों को रिजर्व में रखा जाता है कि कभी भी आप लोगों को बुलाया जा सकता है, उस टाइम में भी आप लोग अपना तैयारी पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी टाइम आपको वेस्ट अगर नहीं करना है तो उस टाइम पे आप लोग तैयारी आपका यूट्यूब में हो गया, कोई बुक्स आप लोग ड्यूटी पे ले जाते हो, जिस टाइम पे आप लोग को रिजर्व में रखा जाता है, जिस टाइम पे आप लोग का स्टैंडिंग ड्यूटी नहीं रहता है उस टाइम पे आप लोग आराम से पढ़ सकते हो। अगर आप लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस में आना चाहते हो, तो अभी बहुत ही कम समय बचा है, 3-4 महीना ही बचा है। 3-4 महीने बाद आप लोग का रिटर्न एग्जाम होगा, तो जी जान से मेहनत कीजिए, फिजिकल में भी कोई कसर ना रखिए, अभी से फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। सुबह शाम आप लोग ग्राउंड में जाइए और लगभग डेली 6-8 घंटे पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस भी आपको कवर करना है, उसके बाद टेस्ट सीरीज भी लगाना है, टाइम मैनेजमेंट भी करना है। मैं आपको पहले वीडियो में बताया था कि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, सीबीटी एग्जाम जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी 4 महीने में कोई भी कसर ना रखिए, अपनी फिजिकल की तैयारी कीजिए, अपने सिलेबस पूरा कीजिए, रिटर्न एग्जाम की तैयारी कीजिए, ताकि इस साल वर्दी आपकी हो। तो आई होप मैं इस वीडियो से आप लोग अच्छे से समझा पाया हूँ कि ड्यूटी टाइमिंग कैसा रहता है, किस प्रकार की ड्यूटी रहती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप लोगों का सिलेक्शन होने के बाद। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी सारे जो वीडियोस में लाओ आप लोगों के पास पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।